हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर ऑफ एक्सटेंसिव स्टडी द स्कूल फॉर सिंपथी. लेट अस स्टार्ट विद अ आई हैड हियर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट. तो राइटर जो है इस चैप्टर के वो क्या बोल रहे हैं कि मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना है तो एंड लास्ट वीक मुझे वहाँ पर जाने का अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं मिस बीम के स्कूल गया लास्ट वीक. देयर वॉज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12. तो जब राइटर जो है वो स्कूल में एंटर करता है तो क्या देखता है, एक लड़की उसको मिलती है. उसकी एज कितनी है, 12 ईयर ओल्ड. विद हर आईज कवर्ड विद अ बैंडेज, तो उसकी जो आँखें हैं उसके ऊपर उन्हें क्या किया हुआ है, बैंडेज बांधी हुई है. Who were being led carefully between the flower beds by a little boy of some 4 year her junior. तो एक लड़का है जिसकी एज जो है उसे वो 4 साल छोटा है लड़की से, तो उसको वॉक करा रहा है. कहाँ पर बेटा, बिटवीन द फ्लावर बेड्स. तो फ्लावर बेड्स क्या होता है बेटा, जो फूलों की क्यारी होती है उसे हम बोलते हैं फ्लावर बेड्स. एंड शी स्टॉप्ड एंड एविडेंटली आस्क हु इट वॉज. तो वो लड़की रुकती है एंड एविडेंटली मीन्स क्लियरली पूछती है हु इट वॉज दैट हैड कम इन, कि किसने इस स्कूल में कौन एंटर हुआ, छोटे से लड़के से पूछती है. एंड ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर. तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जो वो लड़का है छोटा सा वो एक्सप्लेन कर रहा है कि एक पर्सन इस स्कूल में एंटर किया अभी अभी. तो देन दे पास ऑन, तो वो वहाँ से चले जाते हैं. मिस वीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडल एज, अथॉरिटेटिव, काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. तो मिस वीम, राइटर बोल रहा है कि जैसे मैंने मिस वीम के बारे में सोचा था वो बिल्कुल वैसे थे, मिडल एज थे एंड वो बहुत रो वाले लेडी थे एंड काइंडली थे, काइंड नेचर था उनका, अंडरस्टैंडिंग थे. हर ईयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे एंड हर फिगर हैड अ फुलनेस लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड. तो उनके जो हेयर थे वो बिगनिंग टू टर्न ग्रे मीन्स कि अब वो ओल्ड एज की ओर जा रहे हैं. एंड उनकी जो फिगर थी वो मदर टाइप फिगर थी, मदर के जैसे दिख रहे थे. वी टॉक आइडली फॉर अ लिटिल वाइल एंड देन आस्क हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर स्कोलास्टिक मैथड्स विच आई हैड हर्ड वर सिंपल. तो राइटर बोला कि मैंने थोड़ा उनके साथ बात की और उनसे कोई क्वेश्चन पुट किए कि आपके एकेडेमिक मैथड्स क्या है, आप कौन से मैथड्स यूज़ करके बच्चों को पढ़ाते हो. विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, तो मैंने सुना कि बहुत सिंपल मैथड है. तो नो मोर दैन इज़ नीडफुल टू गेट एप्लीकेशन इन टू दैम एंड नो एंड दोज ओनली ऑफ द सिंपलेस्ट स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग. तो ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं थी आपके उनके स्कूल में एडमिशन लेने के लिए. ओनली क्या था, बच्चों को स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाई वगैरह आनी चाहिए. द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू दैम बाय इलस्ट्रेटेड डिस्कोर्स. तो थोड़ा सा उनसे रीडिंग करवा ली जाती है ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट. तो थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहें इसलिए. प्रैक्टिकली देयर आर नो अदर लेसन्स एट ऑल. तो और कोई लेसन्स नहीं होते थे सुधा मूर्ति के स्कूल में. I have heard so much. तो राइटर बोला कि मैंने तो बहुत सुना है उनके स्कूल के बारे में. I said about the originality of your system. तो मिस बीम को बोला कि राइटर कि मैंने आई हैव सेड कि मैंने आपके स्कूल की जो ओरिजिनलिटी है उसके बारे में बहुत सुना है. मिस बीम स्माइल, तो मिस बीम स्माइल करते हैं. ओ यस शी सेड आई एम कमिंग टू दैट. जैस रुको, मैं जैसी ऐसी बात पर आ रही हूँ, इसी पॉइंट पर आ रही हूँ. द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स है बेटा. द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू इंस्टिल थॉट एज थॉटफुलनेस, ह्यूमैनिटी एंड सिटीजनशिप. तो इस स्कूल का जो रियल एम है इज नॉट सो मच टू इंस्टिल, जे नहीं है कि बच्चों को कि क्या है इंस्टिल करना, क्या थॉटफुलनेस, ह्यूमैनिटी एंड सिटीजनशिप सिखानी. दैट इज़ द आइडिया आई हैव ऑलवेज हैड एंड हैप्पीली देयर आर पेरेंट्स गुड इनफ टू ट्रस्ट मी टू ट्राई एंड पुट इट इन टू एग्जीक्यूशन. तो अब हो रहा है कि मेरे स्कूल का क्या मोटिव है कि बच्चों को थॉटफुल बनाना, ठीक है, अच्छे ह्यूमन बींग, अच्छे सिटीजनशिप जो है उनमें हो,
तो ये सारी गुड क्वालिटीज़ जो है उनके बच्चे में हो, तो दैट इज़ द आइडिया। तो आई हैव ऑलवेज हैड, यही आइडिया के साथ मिस बीम जो है वो अपना काम कर रहे हैं। एंड हैप्पीली देयर आर ऑल पेरेंट्स गुड इनफ, तो मिस बीम बोल रहे हैं कि पेरेंट्स भी इतने अच्छे हैं और मेरे पर ट्रस्ट करते हैं, वह खुद इस स्कूल में अपने बच्चों की एडमिशन करवा देते हैं। ठीक है, मिस बीम अपने स्कूल के बारे में बता रहे हैं कि हम जहाँ से बच्चों को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाकर भेजते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, तो मिस बीम राइटर को बोलते हैं कि थोड़ा विंडो के बाहर देखो कि क्या हो रहा है, विल यू क्या आप देखोगे। तो ऐसे जो मिस बीम है ऑथर को अपने स्कूल के बारे में बता रही है। आई वेंट टू विंडो विच कमांडेड अ लार्ज गार्डन एंड प्ले ग्राउंड एट द बैक, तो राइटर जाते हैं कि विंडो के बाहर देखते हैं, तो विंडो के दे वहाँ पर एक लार्ज गार्डन है एंड प्ले ग्राउंड है एट द बैक, बच्चे खेल रहे हैं। तो व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क, तो मिस बीम राइटर से पूछती है कि आपने क्या देखा, व्हाट डू यू सी, क्या देख रहे हो आप। आई, तो राइटर बोलते हैं जो ऑथर है, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, तो मैंने क्या देखा कि बहुत ब्यूटीफुल ग्राउंड्स है। ही सैड एंड अ लॉट ऑफ योली चिल्ड्रन, तो बच्चे जो है बहुत खुश है, योली चिल्ड्रन खुश है। बट व्हाट परप्लेक्सेस मी, लेकिन कोई बात मुझे परप्लेक्स कर रही है, परप्लेक्स क्या होता है बेटा, पजल, तो बोल रहा कोई बात मुझे पजल कर रही है एंड पेन्स मी, मुझे दुख दे रही है, दर्द दे रही है, इज दैट, इज टू नोटिस दैट दे आर नॉट ऑल एज हेल्दी एंड एक्टिव एज आई शुड विश, कि जैसे मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो हेल्दी होते हैं, एक्टिव होते हैं, ये बच्चे ऐसे नहीं हैं, खुश तो हैं लेकिन एक्टिव नहीं है, ना ही हेल्दी है। As I came in, I saw one poor little thing winglet about owing to some trouble with her eyes. तो पहले तो मैंने, जब मैं स्कूल में एंटर मैंने किया तो मैंने देखा एक लड़की थी, उसने अपने आँखों पर बैंडेज बांधी हुई थी, ठीक है, एंड नाउ आई कैन सी टू मोर इन द सेम प्लाइट, तो आगे तो इससे आगे और भी मैं देख रहा हूँ कि और भी मैंने बच्चे, उनकी कंडीशन भी खराब ही है, सेम प्लाइट है, तो ऐसे भी उनकी भी दर्दनाक हालत है। विच वाइल देयर इज़ अ गर्ल विच विद अ क्रच यस अंडर द विंडो वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, तो एक लड़की है वो क्रचेस के साथ चल रही है एंड बाकी बच्चों को देख रही है कि वो खेल रहे हैं, ठीक है। शी सीम टू बी अ होपलेस क्रिपल, वो एक बहुत ही होपलेस अपाहज क्रिपल नज़र आ रही थी कि वो बेबस है, वो नहीं खेल नहीं पा रही, ठीक है, उसकी जो एक लात नहीं है। तो मिस बीम लाफ्ड, ओ नो शी सैड, मिस बीम हंसने लगते हैं, ओ नो शी सैड शी इज़ नॉट लेम, वो लड़की लेम नहीं है, This is only her lame day. ये तो उनका lame day है. Nor are those others blind. तो जो लड़की आपने एंट्री जो कर रहे थे तब देखी, वो भी ब्लाइंड नहीं है. It is only their blind day. ये तो उसका ब्लाइंड day है. I must have looked very much astonished, for she laughed again. तो मैं बहुत एस्टॉनिश हो गया, बहुत हैरान हुआ सुधा मूर्ति की इस बात को सुनकर. So she laughed again. वो हंसने लग पड़ती है. देयर यू हैव एन असेंशियल पार्ट ऑफ अ सिस्टम इन अ नटशेल, तो यही हमारे सिस्टम का पार्ट है. इन ऑर्डर टू गेट अ रियल एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिस फॉर्चून इन दीज यंग माइंड्स, वी मेक दैम पार्टिसिपेंट्स इन मिस फॉर्चून टू, तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों को रियलाइज करने के लिए एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उनको मिस फॉर्चून की, कि दुख तकलीफ क्या होते हैं, तो उसका एहसास करवाने के लिए हम इन यंग माइंड्स को पार्टिसिपेंट बना देते हैं मिस फॉर्चून के, ठीक है. तो इन द कोर्स ऑफ टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन मेम डे एंड वन डम्प डे. तो इन द कोर्स ऑफ टर्म, तो हमारी कोर्स ऑफ टर्म कैसी है कि एवरी चाइल्ड, हमने ऐसी ही कोर्स ऑफ टर्म बनाई हुई है कि एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर एक चाइल्ड का एक ब्लाइंड डे होता है, एक लेम डे होता है, ठीक है. आपको पता ही होगा बेटे, ब्लाइंड डे, लेम डे मतलब लंगड़ा के चलना, डेफ डे बोलना नहीं है, मेम डे एंड वन डम्प डे, ठीक है. डेफ डे क्या के सुन नहीं रहा, ठीक है, लंगड़ा कर चलना, मेम डे, डम्प डे, डंप में इसके बोला नहीं है,
तो ऐसे अलग अलग तरह के डेज है. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड इट इज अ पॉइंट टू ऑनर नॉट टू पी. तो जिस दिन ब्लाइंड, तो वो एकेडमिक स्टडी नहीं है. तो ये ऐसे डेज बनाए हुए हैं, एक दिन ब्लाइंड डे, एक दिन डेफ डे, एक दिन डम्प डे. तो ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे, तो ब्लाइंड डे वाले दिन क्या होता है, देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड इट इज अ पॉइंट ऑफ ऑनर नॉट टू पीप. तो ब्लाइंड डे वाले दिन क्या होता है, उनकी जो आइज है उसको बैंडेज कर दिया जाता है, पट्टी बांध दी जाती है उनकी आंखों के ऊपर, ठीक है. एंड इट इज़ अ पॉइंट ऑफ ऑनर नॉट टू पीप. तो जे एक पॉइंट ऑफ ऑनर होता है कि नॉट टू पीप, के पीप नहीं करना. वट इज़ द मीनिंग ऑफ पीप इज के पट्टी में से बाहर नहीं देखना, झांकना नहीं है. द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट. तो बैंडेज को एक रात पहले ही लगा दिया जाता है, ओवर नाइट लगा दिया जाता है. तो दे वॉक दे वेक ब्लाइंड, तो वह ऐसे ब्लाइंड उठते हैं. दिस मीन्स दैट दे नीड असिस्टेंस इन एवरीथिंग. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब वो उठेंगे तो उनको हेल्प चाहिए किसी ने किसी की, ठीक है, कि जो पट्टी है उनको रात को ही बांध दी जाती है. तो जब सुबह उठते हैं वो ब्लाइंड ही होते हैं, ऐसे पट्टी बांध दी तो सुबह उनको कुछ दिखाई नहीं देता. तो उसको, उनको हर एक चीज़ के लिए क्या चाहिए, असिस्टेंस चाहिए. तो अदर चिल्ड्रन आर टोल्ड ऑफ टू हेल्प दैम एंड लीड देम अबाउट. तो बाकी बच्चे जो है उनको असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने जाना होता है वहाँ पर लेकर जाते हैं. इट इज़ एजुकेटिव टू बोथ ऑफ देम, द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स. ये दोनों के लिए एजुकेटिव है. किन किन के लिए, ब्लाइंड के लिए भी एंड हेल्पर्स के लिए भी. देर इज़ नो प्रिवेशन अबाउट इट. मिस वीम कंटिन्यूड, एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ योग. ऑल्दो ऑफकोर्स बिफोर द डे इज ओवर द रियलिटी ऑफ द अफ्लिक्शन मस्ट बी अपेरेंट इवन टू द लीस्ट थॉटफुल. तो मिस वीम बोल रहे हैं कि इसके बारे में कोई प्राइवेशन नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं कि बींग डिप्राइव रखी हुई है. तो हर एक जो, एवरी वन इज़ वेरी काइंड, हर एक इंसान काइंड है. एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ योग. तो जब उनका डे ख़त्म हो जाता है एंड रियलिटी ऑफ द अफ्लिक्शन सामने आ जाती है, अपेरेंट हो जाती है, क्लियर हो जाती है, तो इवन टू द लीस्ट थॉटफुल, तो फिर थोड़ा सा वो शाम को जब भी उनकी जो क्लास है ख़त्म होती है तो थोड़ा वो हंसते हैं, खुश होते हैं. द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट. तो सबसे डिफ़िकल्ट डे कौन सा है, ब्लाइंड डे. तो आपको MCQ आ जाता है कि वट इज़ अ डिफ़िकल्ट डे, तो ब्लाइंड डे है. इज ऑफ कोर्स द वर्स्ट, शी वेंट ऑन, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम्प डे इज़ द मोस्ट ड्रेडेड. तो लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या लगता है, डम्प डे डिफ़िकल्ट लगता है. देयर ऑफ कोर्स द मस्ट द चाइल्ड मस्ट एक्सरसाइज विल पावर ओनली. तो वैसे मोस्ट जो ड्रेडेड डे है, डिफ़िकल्ट डे है, वो ब्लाइंड डे है. लेकिन कुछ बच्चों को कौन सा डे डिफ़िकल्ट लगता है, डम्प डे. तो आपको जो एग्ज़ाम में आएगा तो आपने लिखना है कि ब्लाइंड डे डिफ़िकल्ट है. कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग डम्प डे डिफ़िकल्ट है. क्यों? तो देयर ऑफ कोर्स द चाइल्ड मस्ट एक्सरसाइज विल पावर, क्योंकि चुप रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए उनको विल पावर चाहिए. फॉर द माउथ इज़ नॉट बैंडेज, क्योंकि माउथ के ऊपर हम बैंडेज नहीं लगा सकते. बट कम डाउन इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन लाइक इट. तो अब मिस बीम बोल रहे हैं कि देखो, अब गार्डन में जाके देखो कि सी हाउ द चिल्ड्रन लाइक इट, कि कैसे जो बच्चे हैं इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं, ऐसे मेथड्स को, ऐसी स्टडी को पसंद कर रहे हैं. मिस वीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स, अ लिटिल मैरी थिंग हुज आईज अंडर द फोल्ड्स वर आई फेल्ट श्योर एज ब्लैक एज एश वर्ड्स. तो मिस बीम जो है वो राइटर को किसके पास लेके जाते हैं, एक बैंडेज गर्ल के साथ, जिसने एक पूरी अपने आंखों के ऊपर, सुंदर सुंदर आंखों के ऊपर क्या बांधा हुआ, पट्टी बांधी हुई है. तो मिस बीम बोलते हैं कि हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, यहाँ पर एक जेंटलमैन आए हुए हैं तो आपके साथ बात करना चाहते हैं, सेड मिस बीम. मिस बीम बोलते हैं तो देन लेफ्ट अस. तो मिस बीम राइटर को वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं. डोंट यू एवर पीप, तो राइटर ने भी बोला कि डोंट यू एवर पीप, कि आप कभी अपनी पट्टी से बाहर नहीं देखते, बैंडेज में से पीप नहीं करते. आई आस्क वाई वे ऑफ एन ओपनिंग, ओ नो शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी अ चीटिंग. वो कहते हैं मैंने कभी भी पीपिंग नहीं की. क्यों नहीं की, क्योंकि दैट वुड बी चीटिंग, ये तो चीटिंग हुई. बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन जो ब्लाइंड होना बहुत ही ऑफुल है.
यू कांट सी अ थिंग, तुम आप कुछ भी नहीं देख सकते. वन फील्स वन इज गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट. हर एक पर्सन को यही खतरा बना रहता है जब आपने बैंडेज बांधी होती है अपने आइज के ऊपर, कि आपको यही खतरा बना रहता है कि आप किसी ना किसी चीज़ के साथ हिट कर जाओगे. तो सिटिंग डाउन सच अ रिलीफ, तो बैठ के थोड़ा सा रिलीफ मिलता है बैठकर. तो आपको हमेशा यही खतरा बना रहता है कि आप किसी ना किसी चीज़ से हिट कर जाएंगे. यू कांट सी अ थिंग, कुछ भी नहीं देख सकते. वन फील्स वन इज गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट यही खतरा बना रहता है कि आप किसी ना किसी चीज़ से स्टक कर जाओगे. सिटिंग डाउन सच अ रिलीफ, तो वो उसे लग रहा है कि बैठ के थोड़ा उसे रिलीफ लग रहा है. तो आर योर गाइड्स काइंड टू यू, आई आस्क को राइटर ने पूछा कि जो आपके गाइड्स है वो आपके साथ काइंडली बिहेव करते हैं. Pretty good. Not so careful as I shall be when it's my turn. Those that have been blind already are the best. It is perfectly ghastly not to see. I wish you should try. तो वो कह रही है यस प्रीटी गुड, ठीक है बाकी सर्वे स्टूडेंट ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा ऑनेस्ट होती हूँ. आई शैल बी मोर केयरफुल, मैं ज़्यादा केयरफुल होती जब मेरी टर्न होती है. एंड दोज दैट ऑल्सो, बाकी जो ब्लाइंड है वो भी बहुत बेस्ट है. ये बहुत ही वो हो रही है कि बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है कि देखना नहीं है, ब्लाइंड है हम. तो आई विश यू शुड ट्राई, तो जो लड़की है राइटर को बोल रही है कि आपको भी ट्राई करना चाहिए. शैल आई लेट यू एनी वे आई आस्क, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि मैं आपको कहीं लेकर चलूँ. तो ओ यस शी सेड, तो लड़की ने बोला जी हाँ लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलो छोटी सी वॉक करते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, तो लड़की ने बोला कि आप मेरे को थोड़ा चीज़ों के बारे में बताओगे. आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टू डेज ओवर, तो मैं बहुत खुश हूँगी जब आपका दिन जो है वो आज का दिन जो है वो ओवर हो जाएगा. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, ठीक है. तो अदर डेज जो है वो इतने बैड नहीं होंगे जितना आज दिन है. तो हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट अ क्रच इज ऑलमोस्ट फन, तो कहते जब जो लेग टाइड है ठीक है, लिंप डे जब होता है तो वो थोड़ा सा फनी डे होता है. आई गेस हैविंग एन आर्म टाइड इज लिटिल मोर ट्रबलसम, तो जब हमारी आर्म को टाई क्या होता है ठीक है, तो ये भी ट्रबलसम है. बिकॉज यू हैव टू गेट योर फूड कट अप फॉर यू, कि आपको अपने लिए जो फूड है वो कट करना डिफिकल्ट होता है. सो ऑन बट इट डज नॉट रियली मैटर, लेकिन इन चीज़ों का कोई मैटर नहीं है, कोई चलो मैटर नहीं करती. एंड एज फॉर बींग डेफ फॉर अ डे आई शुड नॉट माइंड दैट, एट लीस्ट नॉट मच, बट बींग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग. वो बोल रहे कि मुझे, मैं बोल तो रही हूँ लेकिन जो ब्लाइंड डे है ना, डेफ डे तो चलो ठीक है, लेकिन जो ब्लाइंड डे है बहुत डिफिकल्ट डे है. माई हेड एक ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम डोजिंग थिंग्स दैट प्रोबेबली आर नॉट देयर, तो अब हो रहा है कि मैं ब्लाइंड डे मुझे इतना डिफिकल्ट क्यों लग रहा है कि मेरा पूरा दिन सिर दर्द करता है. कैसे, क्योंकि मैं खुद ही इमेजिन करती रहती हूँ चीज़ों को, कोई चीज़ मेरे सामने आएगी और मैं उसके साथ हिट कर जाऊँगी. ठीक है, आपकी आप भी छोटे बच्चों को देते होंगे कि जब कोई बच्चा दूसरे बच्चे के आंखों के ऊपर हाथ रखकर उसे घुमाने लेके जाता है कि थोड़ा वो बच्चा चिल्लाएगा कि वो किसी चीज़ के साथ उसे हिट ना कर दे, तो वो खुद ही ऐसा सोचता है. वेयर आर वी नाउ, वो लड़की पूछती है कि हम अब कहाँ पर हैं, तो इन द प्ले ग्राउंड, तो राइटर बोलता है कि हम प्ले ग्राउंड में हैं. आई सेड गोइंग टूवर्ड्स अ हाउस, अब हाउस की ओर जा रहे हैं. मिस वीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द टेरेस विद अ लिटिल टॉल गर्ल, तो राइटर बोल रहे हैं कि जो मिस बीम है वो वॉक कर रहे हैं, अप एंड डाउन वॉक कर रहे हैं, कहाँ पर, टेरेस के ऊपर, एंड एक टॉल गर्ल के साथ. व्हाट हैज़ दी गर्ल गॉट ऑन, तो वो लड़की ने क्या पहना हुआ है, वो लड़की पूछ रही है. माई कंपेनियन आज, तो उस लड़की ने पूछा, तो राइटर ने क्या जवाब दिया, अ ब्लू स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज, के उस लड़की ने ब्लू स्कर्ट पहनी हुई है एंड पिंक ब्लाउज पहना हुआ है. तो ब्लाइंड गर्ल क्या बोलती है, आई थिंक इट इज़ मिली, तो ये तो मिली है, तो मिली कौन है, कहने व्हाट कलर हेयर, तो उसके बालों का कलर क्या है, ये वेरी लाइट, तो बहुत लाइट कलर है, राइटर बोला यस दैट इज मिली, ये तो मिली है, शी इज़ द हेड गर्ल, जे हेड गर्ल है, शी इज़ ऑफली डिसेंट, ये भी बहुत डिसेंट लड़की है. देर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस,
ठीक है। तो एक ओल्ड मैन है, वो रोज जो फ्लावर्स है उनको टाई कर रहा है। आई सेड, वो कहते जे कौन है? यस दैट इज पीटर, ये तो पीटर है। तो पीटर है कौन है? ही इज अ गार्डनर, ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड, उनकी ये जो है वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड है। एंड हियर कम्स अ डार्क गर्ल इन रेड, तो एक लड़की और है वो क्रचेस आ रही है, लिंप करके चल रही है, जहाँ क्रचेस के साथ आ रही है, तो उसने रेड ड्रेस पहनी हुई है। यस शी इज बैरी, तो ये तो बैरी है, ऐसे उसे सारी पहचान है क्योंकि इतनी ट्रेंड हो गए हैं वो। एंड सो वी वॉकड ऑन एंड इंस्टीयरिंग दिस लिटल थिंग्स अबाउट आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल ऑलरेडी देन आई हैड एनी नोशन ऑफ। तो अब राइटर बोल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो गया हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा इन बच्चों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, एंड पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था। एंड ऑल्सो दैट द नेसेसिटी ऑफ डिस्क्राइबिंग द सराउंडिंग्स टू अनदर मेक्स दैम मोर इंटरेस्टिंग, तो उस लड़की को अलग अलग जगह के बारे में बताकर उसे ये काम भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, चीज़ें डिस्क्राइब करके। अब राइटर जा रहा है, वेन मिस वीम केम टू रिलीज मी एंड आई वॉज सॉरी टू गो एंड सैड सो शी रिप्लाई, तो मिस वीम जब उसे जब राइटर जा रहा था उनको रिलीज करने के लिए जाती है, तो वो सॉरी फील कर रहा है, उसका मन नहीं कर रहा जाने को भी, जहाँ पर उसे बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ मिलकर एंड अलग अलग तरह के डेज को, कि कैसे बच्चे जो है वो अपनी स्टडी करते हैं स्कूल में। तो वो बोल रहा है बहुत अच्छा लगा मुझे आपके स्कूल में, तो शी रिप्लाई कि देन देयर इज समथिंग, कि आपको अच्छा लगा इसका मतलब है कि मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ तो है। आई वॉकड बैक टू द टाउन मर्मरिंग द लाइन्स, तो अब जो राइटर है वापस जा रहा है, तो कुछ लाइन्स जो है वो मंबल कर रहा है। कैन आई सी अनदर्स वू एंड नॉट शेयर देयर सोरो टू और नो Never can it be, never can it be। तो राइटर बोलता है कि कोई और दुख, कैन आई सी अनदर बुक, कि कोई और दुख मैं देख सकता हूँ जिसका मैंने जिसकी हेल्प ना की हो, एंड नॉट शेयर देयर सोरो, किसका मैंने दुख दर्द बंटाया ना हो, एंड नो ओ नो नेवर इट कैन बी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता मुझे, अब नेक्स्ट टाइम में इन फ्यूचर कोई भी ऐसा डिसेबल पर्सन मिलेगा, फिजिकली क्रिपल मिलेगा, तो मैं हमेशा उसको असिस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने मिस बीम के स्कूल के से बहुत कुछ सीखा है। तो बेटा दैट वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर, आई होप आपको समझ आ गया होगा।